फिलहाल इसको चाहिए पहाड़ी कैब, अगर मिल जाएगी तो ले लेंगे, नहीं मिलेगी तो कहाँ से लेंगे। ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर हम हैं कहाँ पे हैं गुरु जी? तो गाइस अभी हम हैं हल्द्वानी के शहर में और हल्द्वानी के मार्केट में। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, तो अभी हम मार्केट में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो हमारा स्टार्ट ब्लॉग होता है शुरू यहाँ से। तो गाइस, तो आज हम आपको दिखाएंगे हल्द्वानी का मार्केट, यहाँ का जो सबसे बड़ा मार्केट है। हम मार्केट के जस्ट पास में पहुँच चुके हैं, धीरे धीरे मार्च मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता हुआ। अरे कौन इस साइड चले, इस साइड चले, आई थिंक इस साइड चलते हैं। ओके यार, जबरदस्त मार्केट है। अभी इच्छा हो गया आप कुमाऊँ का मार्केट देखें, तो आप कुमाऊँ का मार्केट दिखाते हैं। तो जितना हमसे हो सके उतना दिखाने की कोशिश करेंगे। भीड़ काफ़ी है, सामने से यूटिलिटी आ रही थी और यार अभी तक पहाड़ी कैब कहीं मिल नहीं पा रही है जो अनिल को चाहिए। फिलहाल देखते हैं, आगे आगे चलते हैं। अभी एक भाई से पूछा तो उन्होंने कहा जिस मार्केट में हम खड़े हुए हैं नया बाजार, चौक बाजार, और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे है चौक बाजार। फिलहाल नया बाजार से निकलते हैं आगे। आज हम एक ही चीज़ की ढूंढ में है, वो है पहाड़ी कैब, बट अभी तक जो इसको चाहिए वो नहीं मिली। और तुझे कैसी वाली चाहिए पहाड़ी कैब में? मुझे वाली चाहिए जिसमें वो बना होता है। क्या क्या बना होता है? अरे जिसमें यहाँ पे भरम कमल लगा होता है। मार्केट का आप आनंद लीजिए, बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ पर भी हल्द्वानी में। कौन सा मार्केट बोला था अभी? हाँ ये है नया मार्केट, है नहीं ना कोई बाहर में कोई दिख जाए तो। चलो कोई नहीं, आगे चलते यार। हर प्रकार की शॉपें यहाँ पे देखने को मिल रही है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूम के। पहाड़ का दर्द तो हो जाए, पर हमारी कैब कब मिलेगी? कैब तो पहाड़ी कैब अभी तक मिला नहीं, पर फिर भी लगे हुए ढूंढने पर। सभी स्वेटर स्वेटर लेने की जरूरत नहीं है, कपड़े तो दुनिया भर के ला रखे हैं। हाँ वो तो है, गर्मियों में सर्दियों में। तो भाई ओ, मुझे लग रहा है हम घूम के दूसरे रास्ते आगे, यहाँ से नहीं मिलेगी तुझे कैब, दूसरे रास्ते चले, बीच वाले मार्केट से चलते। फिर बीच वाला मार्केट कहाँ पे? ये बीच वाला लाइन से जहाँ घुसे थे पहले, वापस चले, वापस चलते, रोड़ी रोड़ी चलेगा। तो भाई शॉप में चलते हैं और पता करते हैं यार पहाड़ी कैब का। और कैब मिल जाएगी? कितने की है वो बता दे देना जरा। हैं टोपी कितने की बता रहे हैं यार, कितने की? 180। और भाई कैब भी मिल गई भाई की, ये ले सोने। हाँ जी ये है गाइस, ये पर्चा ले लीजिए गाइस। टोपा जिस कैब के लिए हम ढूंढ निकले थे फाइनली मिल चुकी है शॉप में, देखते हैं मेरे को पसंद आती नहीं आती। कौन सी लेनी है? तो पेन के तो देखे चाचा, भाई ने पहन लिया है कैब, अच्छी लग रही ना, अच्छी लग रही। थोड़ा कम करने के लिए बोलते, कम कर देंगे यार। फिक्स है वही लेंगे यार, वहाँ तो कम पड़ेगी 150। 180 वहाँ 150 कम है भाई। कहाँ पे? वहाँ आगे ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो गाइज मार्केट से निकल चुके हैं बाहर, अनिल को कैब तो मिल गई थी वो, बट 30 रुपये ज़्यादा बताया है, बट प्राइस का क्या है थोड़ा इश्यू आ गया था और इस वजह से वो ले आया नहीं उसने। चलो कोई बात नहीं, अब लेंगे हम, देर हो, आगे आगे चलते हैं। ये मैंने कोई सी कोई ये आ रहा है ना, फॉलो कर रहा वीडियो बनाने राइट। सो गाइस हम मार्केट से फाइनली बाहर निकल चुके हैं और मेन रोड पर हैं। ठीक है, अब टाइम काफ़ी हो चुका है और हमारे ट्रेन का टाइम होने वाला है, इसलिए हम यहाँ मार्केट से बाहर निकल गए हैं। तो कैसे लगी आपको वीडियो? आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हल्द्वानी का ये मार्केट अच्छा लगा होगा, सुंदर सा ये मार्केट, अच्छा है सच में, अद्भुत नज़ारा है यहाँ, बहुत मज़ा है भाई इस मार्केट में। और हालांकि जिस चीज़ के लिए गए थे वो चीज़ हम नहीं मिल पाई,
बट अच्छा लगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में, फिलहाल आप लोग अपना ख्याल रखना।